नाउ रेडी, अब हम आपको ले जाएंगे पिछले जन्म की ओर, पास्ट लाइफ में, और घुमाते हैं घड़ी का जो पहिया है रफ्तार वक्त की, उसको पीछे की ओर ले चलते हैं और आपको पास्ट लाइफ में देखेंगे आप कितना ब्यूटीफुल मूवमेंट और क्या क्या पिछले जन्म में आप बताएंगे और कंसंट्रेट करना है अपने आपको। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नाउ कंसंट्रेट योर सेल्फ, ये टिप ऑफ द फिंगर, इसके ऊपर आप पूरा एकाग्र करिए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कंसंट्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू आर कंसंट्रेटिंग एट द टिप ऑफ द फिंगर और आपकी पलकों का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको थोड़ी ही देर में पूरा देखिए गोल घूम रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट क्लास, पलट के घूम के रही हो। जैसे ही तीन बोलूंगा आप सब मोहन की कैरी, 1, 2, 3, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। यू आर फीलिंग वेरी वेरी ब्लिसफुल, यू आर फीलिंग वेरी वेरी कामफुल एंड जॉयफुल मूवमेंट, एकदम रिलैक्स, एकदम। मैं गिनती बोलूंगा 10 से लेके 0 तक, आपकी सम्मोहन की नींद बहुत गहरी होती जा रही है। 10, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेट ऑफ हिप्नोटिज्म, सम्मोहन की गहरी नींद में आप जा रहे हैं। 9, आपका बॉडी का और माइंड का रिलैक्सेशन लगातार 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 8, जैसे जैसे अंक बोल रहे हैं और सम्मोहन की जो गहरी की नींद है वो बढ़ रही है, आपका रिलैक्सेशन, जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स हो रही है वैसे वैसे आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। 7, और गहरा सम्मोहन, और गहरा सम्मोहन होता जा रहा है। 6, आपके शरीर की रिलैक्सेशन की अवस्था लगातार बढ़ रही है। 5, आपका माइंड भी 2 गुनी रफ्तार से रिलैक्सेशन में जा रहा है। 4, 3, और जैसे जैसे माइंड का रिलैक्सेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका शरीर भी रिलैक्स होता जा रहा है। 3, और गहराई में आप उतरते जा रहे हैं, विश्राम की अवस्था में आप लगातार उतरते जा रहे हैं। 3, 2, आपका बॉडी एंड माइंड बोथ आर रिलैक्सिंग, बोथ आर रिलैक्सिंग, बोथ आर रिलैक्सिंग। एंड 1 एंड 0, आपका सम्मोहन और गहरा हो गया है, और गहरा हो गया है। पूरी तरह से आप डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज ऑफ हिप्नोटिज्म, बॉडी और माइंड दोनों आपके एकदम पीसफुल और रिलैक्स की अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब आपको धीरे धीरे बेसमेंट, तलघर, जमीन के नीचे बने हुए एक तलघर में उतरना है। 10 से लेके 1 तक मैं बोलूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप नीचे उतरते जा रहे हैं और आप जैसे जैसे स्टेप पे नीचे उतरते जाए वैसे वैसे आपका रिलैक्सेशन भी 2 गुनी रफ्तार से हर अंक के साथ बढ़ रहा है। 10, बेसमेंट में उतरना आपने चालू कर दिया है। 9, और जैसे जैसे सीढ़ी पे नीचे उतर रहे हैं बॉडी और माइंड का रिलैक्सेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 8, 7, आपका माइंड 2 गुनी रफ्तार से रिलैक्स हो रहा है, डीप ट्रांस में आप जा रहे हैं। 6, और जैसे जैसे माइंड डीप ट्रांस में जा रहा है वैसे वैसे आपका शरीर आराम की अवस्था में उतर रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, आप तलघर में पहुंच चुके हैं। बेसमेंट में आप देखेंगे दीवारों के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन ऑफ द बेसमेंट, बहुत ही अच्छा सीन आपको बेसमेंट में दिखाई दे रहा है।
बेसमेंट से सीधा एक सुरंग है, एक टनल है, आपको उस टनल में जाना है। मैं एक से लेके दस तक गिनती बोलता हूँ और आप उस टनल में धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू कर रहे हैं और बहुत स्पीड से बढ़ना चालू करते हैं और आपका शंभु उतना ही गहराता जा रहा है। वन, उस सुरंग में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टू, आपकी स्पीड और बढ़ गई है और जैसे आपके चलने की स्पीड बढ़ रही है आपका रिलैक्सेशन ट्रांस की स्थिति भी बढ़ रही है। थ्री, ब्लैक टनल, एकदम अंधेरी सुरंग और बहुत रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं उधर। फोर, फाइव, उस सुरंग में आप बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं और आपका माइंड बॉडी ट्रांस की स्थिति में गहरी अवस्था और शांत अवस्था में उतरता जा रहा है। सिक्स, सेवन, आपकी दोगुनी बढ़ गई है रफ्तार पहले से। एट, दस गुनी रफ्तार से आप तेजी से सुरंग में बढ़ रहे हैं। नाइन, और ये टेन, आप सुरंग में बहुत अंदर तक पहुंच गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप सुरंग में सिर के ऊपर क्या है वो आप बता सकते हो। वहां पर सुरंग है, टनल है, उसमें आप आपके सिर के ऊपर क्या है वहां पर टनल में। टनल में आपके वहां पर सिर के ऊपर क्या है वहां पर ब्लैक दिख रहा है। वेरी नाइस, अभी और आप मैं पांच तक गिनती गुनूंगा, उस काले से आगे जाएगी रोशनी की ओर बढ़ेंगे। अब आगे वहां जाकर के आपको रोशनी दिखाई देगी, उसमें आप देख पा रहे हैं। फिर वन, टनल से बाहर रोशनी की तरफ। टू, और तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ चुके हैं। थ्री, फोर एंड फाइव, ये आप उधर पे रोशनी तरफ बढ़ चुके हैं। अब बेहतरीन उधर पे लाइट प्रकाश और आप वहां पर पूरी तरह देख पा रहे हैं। क्या दिख रहा है वहां पर? पहाड़ है, पहाड़ मीन्स पत्थर, पहाड़, हरा भरा पहाड़ है। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए वहां पर घने बादल हैं और आपको मैं चुटकी बजाऊंगा, आप उन बादलों की ओर बढ़ जाओगे तेजी से। वन, टू एंड थ्री, आप वहां बादलों की ओर पहुंच चुके हो क्योंकि आपके बढ़ने की जो रफ्तार है स्पीड बहुत तेज है, आप बहुत तेजी से उन बादलों की ओर बढ़ रहे हो। पांच से लेके वन तक गिनूंगा, उन बादलों को आप क्रॉस कर देंगे। बादलों को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं आप पिछले जन्म में तुरंत वहां पर पांच बोल से वन तक बोलने पर आप पहुंच जाते हैं। आप फाइव, तेजी से बादलों को क्रॉस कर रहे हैं। फोर, बहुत तेजी से वो बादलों को स्पीड के साथ में बादलों को क्रॉस कर रहे हैं। थ्री, टू और ये वन, फर्स्ट क्लास। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। व्हाट आर यू लुकिंग देयर, आप वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है आप बता सकते हैं? चारों तरफ देखो वहां पर क्या है, क्या है वहां पर? तालाब। अरे वाह, वेरी नाइस, तालाब के पास जाओ, जोर से बोलो क्या दिख रहा है? तालाब है, तालाब के पास चले जाओ। बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। तालाब कितना भरा है? आधा के पूरा, पूरा भरा है, फुल। तालाब की जो पार है, बंड है, उस बंड के ऊपर देखो कोई पेड़ लगे हैं या प्लेन है, कैसा है वहां पर उसका बंड? प्लेन है। वेरी नाइस, वहां तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां है कि नहीं देख के बताओ, वहां पर सीढ़ियों का क्या पोजीशन है तालाब की? सीढ़ियां नहीं है, कोई वहां नहाने आता है कि नहीं आता?
कोई नाता नहीं है वहां पर, चलो पास में चले जाओ, वहां बस्ती में जाओ, वहां पर तालाब जहां बना है वो बस्ती में आप पहुंच रहे हैं, मैं तीन तक गिनूंगा, आप वहां बस्ती है जो उस बस्ती में तालाब के पास मकान टाउन विलेज क्या है वो अभी आप देख के आप बता सकते। 1, 2 and 3 हाँ नगर है कि गांव है, क्या है वहां पर, क्या है वहां पर, गांव है, वेरी नाइस फर्स्ट क्लास। गांव में मकान कैसे बने हैं, मकान किस चीज के देख के बताओ, कौन से टाइप के मकान बने हैं, पास में जाके देखो, 1, 2, 3 मकान को पास में देखो, किस चीज के बने हैं वो मकान, क्या नजर आ रहे हैं, झोपड़पट्टी बनी है, वेरी कच्ची जैसे मकान बनते थे मिट्टी वाले, अच्छा वो बने हैं, वेरी गुड फर्स्ट क्लास। वहां पर लगभग कितने मकान बने उस गांव में, कितने बने हैं, जोर से बोलो, 2 मकान है वहां, आपका पूछ खोजो, आपका मकान है क्या वहां पर, आपको अपना मकान खोजना है वहां पर, आपका वहां नजर नहीं आ रहा है, और उस उन मकानों में देखो कौन रहता है, जरा देखो जरा और बस वहां पर इंक्वायरी करो, वो जो झोपड़पट्टी 2 मकान कच्चे बने हैं उन दोनों मकान में देखो कौन रह रहा है, पास में चले जाओ, 1, 2 and 3 वहां पर देख के बताओ उन मकानों में कौन रह रहा है, कौन है वहां पर, खाली डले हैं दोनों मकान, नोबडी इज देयर, तुम अपना घर मकान कहां पर है वहां पहुंचो, चलो मैं गिनती बोलूंगा 5 तक, आपको अपना मकान खुद का देखना है, आपका स्वयं का वहां निवास कहां पर है वहां पर पहुंचो, 1 खुद के मकान को खोजते हुए, 2, 3, 4 and 5 अपना मकान खोजो खुद का, वहां पर कहां पर है आपका खुद का मकान, कहां पर है आपका खुद का मकान, कहां पर है वहां पर आपका खुद का मकान बताओ, खुद का आपका मकान वहां पर खोजो, कहां पर है आपका स्वयं का, आप क्या वहां पर रहते, कहां पर रहते हो वहां पे, आप वहां पर कहां पर रहते हैं, आप वहां पर कहां पर रहते हैं, अपना निवास बताओ, कहां रहते हो वहां पर, वहां एक मंदिर है, मंदिर किस चीज का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर, शिवलिंग है, जोर से बोलो किस चीज का मंदिर है, शिवलिंग है, वहां पर आप क्यों गए, वहां पर शिवलिंग के सामने खड़े हो, शिवलिंग के सामने आप खड़े हैं वहां पर, तो वहां पर आप रोज जाते थे मंदिर के, आज भर खड़े हो वहां पर, अच्छा रोज जाते हो, वेरी नाइस फर्स्ट क्लास, आप रोज वहां पर मंदिर में आप वहां पर जाते हैं, भगवान शिव से, भगवान शिव को मानते हैं आप, अच्छा उन्हीं की भक्ति करने जाते हो वहां मंदिर में, वहां पर और कौन जाता है मंदिर में वहां पर, और कौन कौन जाता है, देखो जरा मंदिर के आसपास कोई अदर लोग दिख रहे क्या, आप पर जाते हो मंदिर रोज जाते के 2-4-10 दिन में, अच्छा रोज जाते हो भगवान शंकर जी के शिवलिंग के मंदिर में आप रोजाना जाते हो, बहुत अच्छी बात है फर्स्ट क्लास, क्यों जाते थे मंदिर जाना क्यों चालू किया था, मंदिर जाना आपने क्यों चालू किया था, हैं?
अच्छा कोई परेशानी थी क्या उस जीवन में जो शंकर जी को पकड़ लिए आप, कोई उस जन्म में आपको परेशानी थी, शारीरिक परेशानी, कोई चिंता तनाव, कोई आर्थिक परेशानी, पैसा आपके पास पर्याप्त था कि नहीं था, पैसा क्या था, कैसा था, पैसा था कि नहीं था, पैसे से क्यों जरूरत पड़ने पे खर्च कैसे करते, खर्चा कैसे चलता था आपका, मंदिर में पुजारी है कोई रहता कि नहीं रहता, पता करो जरा मंदिर आपका तो बढ़िया, रोज जाते हो मंदिर, पूजा कौन करता वहां पर, बहुत पुराना मंदिर, कितने साल पुराना मंदिर है, देखो जरा वहां के पत्थर और वहां वो सब देख के पता लग जाएगा आपको कितने साल पुराना मंदिर है, कितने साल पुराना मंदिर है, 200-150 से 200 वर्ष पुराना मंदिर, किस क्या स्थान है, वो स्थान का नाम बताओ जरा, कौन से प्रदेश में है, कौन सा टाउन है, कहाँ का मंदिर है, वो पहाड़ी एरिया है, वेरी नाइस, पहाड़ी एरिया में शिवलिंग शंकर जी का मंदिर, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। तो उस जन्म में आप प्रसन्न थे, मंदिर जाकर के आप बड़े खुश रहते थे, आपको कोई परेशानी किसी भी तरह की घर परिवार से कोई नहीं, माता पिता भाई बहन रिश्ते नातों ने कोई कष्ट दिया क्या, कुछ भी नहीं, हैप्पी रहते थे कि प्रसन्न रहते थे कि परेशान रहते थे, सही रहते थे, कोई उस जन्म में कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई पैसा आर्थिक रुपया की पैसा की परेशानी नहीं था, केवल भगवान की भक्ति, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास, शंकर जी की भक्ति बहुत अच्छी, वो तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो जीवन में सबसे बड़ा कहना चाहिए हमारा जो संपत्ति है वो है भक्ति भगवान की, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। उस समय आपका नाम क्या था, क्या नाम था आपका उस समय, आपका उस समय भगवान की भक्ति करते थे शंकर जी की, आपका व्हाट वाज द नेम, क्या नाम उस समय आपका, क्या नाम, जोर से बोलो, शिवेंद्र, इसीलिए शंकर जी की भक्ति करते थे, शिवेंद्र, वेरी नाइस, योर नेम इज ऑल्सो रिलेटेड विद द नेम ऑफ शिव, शिवेंद्र, शिवेंद्र बढ़िया, फसला शिवेंद्र, बताओ जरा उस समय आपके माता पिता हैं, नजर नहीं आ रहा है, भाई बंधु कोई शिवेंद्र के रिश्तेदार कोई नहीं, नोबडी, आपके गुरुजी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चलो वहां मंदिर के दर्शन कर लो बढ़िया से भगवान के शिवेंद्र, वेरी नाइस, आपको कोई उस जन्म की कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की, आप एक अच्छे भक्त सच्चे इंसान आप, बस ला, चलो और दूर जाओ थोड़ा, देखो आपके माता पिता भाई बहन की जानकारी कलेक्ट करो, 3 तक गिनेंगे तो आप धीरे धीरे स्पीड से वहां पर पहुंच जाएंगे, 1 आप अपने माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सबको वहां पर खोज रहे हैं, 2 एंड 3 अब मंदिर के पास में हो गए, दूर पहुंच गए, कहां पे, तालाब के किनारे, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास, आपको अपने माता पिता की जानकारी है, बीवी बच्चे, शादी की थी कि नहीं, शादी की थी शिवेंद्र, शिवेंद्र की शादी नहीं हुई थी, वेरी नाइस, किसी तरह का कोई चिंता तनाव टेंशन परेशानी कुछ नहीं उस जन्म में, कुछ भी नहीं, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी नाइस, माने शिवेंद्र यू आर वेरी हैप्पी पर्सन विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपको उस जन्म में पिछले जन्म में नहीं रही, बहुत अच्छी, क्योंकि शंकर जी की भक्ति आप पकड़े रहे हैं, उस जन्म की कोई ऐसी बात तो नहीं है जो इस जन्म में परेशान कर रही हो, वर्तमान के जन्म में कोई बात है क्या ऐसी जो उस जन्म की यहाँ परेशान कर रही है, नहीं है ना, जोर से बोलो, नहीं है उस जन्म की कोई परेशानी, नहीं, इस जन्म से किसी चीज का वास्ता है क्या, जो अभी का जन्म है और शिवेंद्र जब रहे आप, शिवेंद्र के इस जन्म का कोई बात कैसी जुड़ रही है जो अभी यहाँ पर परेशानी उत्पन्न कर रही है क्या, कोई ऐसी बात कुछ भी नहीं है,
माने उसका रिलेशन वर्तमान से कुछ भी नहीं, बहुत नाइस, फर्स्ट क्लास, वेरी वेरी गुड। चलो उधर मंदिर से दूर आ जाओ, तालाब से भी दूर आ जाओ, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास, पांच तक गिनूंगा, आप और डीप ट्रांस में चले जाएंगे। वन टू, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेट। थ्री फोर एंड फाइव, और डीप ट्रांस में चले गए आप, और डीप ट्रांस में आप चले गए, आप डीप ट्रांस में। पिछले जन्म में आप शिवेंद्र हैं, शंकर जी के बहुत अच्छे भक्त हैं, पिछले जन्म में आपकी कोई परेशानी नहीं है, आपने देख के बताई है, जो इस जन्म से उसका कोई रिलेशन किसी बात का नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। नाउ अब हम आपको ले चलते हैं, वहां पर आ जाओ आप फिर से वापस एक बगीचे में, हम पांच तक गिनेंगे, आप तेजी से चल करके बगीचे में आ जाएंगे, सुंदर सा गार्डन। वन, बगीचे की ओर जा रहे हैं। टू, और तेजी से आप बगीचे में पहुंच रहे हैं। थ्री, बगीचे में आप पहुंच चुके हैं। फोर, और ये फाइव, सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन, बगीचे में पहुंच गए। बगीचे के कितने दूर हो, पास में दरवाजा खोल के अंदर जाओ, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। तो आप बगीचा देख के बताओ वहां पर क्या क्या है, क्या क्या है बगीचे में, क्या क्या है बगीचे में, छोटे छोटे पौधे हैं, फूल वहां लगे कि नहीं लगे, वहां पर फूल हैं, किस कलर के फूल हैं, पीले कलर के फूल हैं, वेरी नाइस। तो उस बगीचे में चारों तरफ बाड़ी लगी है, बाड़ के ऐसे ही खुला पड़ा है बगीचा, खुला है पूरा, और देखो बगीचे में कोई घूमता हुआ नजर आए तो तुरंत देख के जरा बगीचे में राउंड मारो, एक वन टू एंड थ्री, बगीचे में पूरा चक्कर लगा लो। हाँ, तुम्हारे अलावा उस बगीचे में कोई है क्या, कोई नहीं है, आदमी जानवर कुछ भी नहीं, वेरी नाइस। बगीचे में एक फव्वारा, देखो पानी का झरना गिरता है, प्राकृतिक नेचुरल, वहां पहुंचाओ फव्वारे के नीचे, आप पूरी तरह से फव्वारे के नीचे आप खड़े हुए, व्हाइट रंग का पानी गिर रहा है आपके ऊपर से, और जैसे जैसे आपके ऊपर से पानी गिर रहा है, आपकी जितने भी निगेटिविटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब उस पानी के साथ बह के पूरी तरह से जा रही है, ये पूरी तरह से आपके अंदर की जितनी भी निगेटिव पावर है, चिंता, तनाव, डिप्रेशन और जितना भी है, सब पूरा एंग्जाइटी सब बाहर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल आपके अंदर आ चुकी है, पूरी तरह से आ चुकी है आपके अंदर।